हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ कहीं हो। तो आज हम किसी नए मेंबर के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। शायद आप सबको पता है या नहीं पता है, तो हम बताएंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरा आप सब भरपूर सपोर्ट करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं उस ब्लॉगर के बारे में जो सबसे टॉप पे चल रहा है आजकल। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, हम भी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आप सबके बीच। तो गाइज, मैं बता दूं, आज तक जितने भी ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे, जिसका भी चैनल है, सबसे नंबर वन चैनल उसी मेंबर्स का है जो सबसे आगे है, और मतलब सबसे टॉप पे है उस लड़के का, उस ब्लॉगर का। तो हम बता दें उसका नाम, तो लो सुनो। तो वो हरिद्वार का है, उत्तराखंड से, मतलब सौरभ जोशी नाम का चैनल है उसका। नाम पता नहीं क्या है, पर सौरभ जोशी नाम का उसका चैनल है। तो गाइज, सबसे टॉप ब्लॉगर है और सबसे अच्छा खासा उसका चैनल है। तो गाइज, अगर आप सबको नहीं पता है तो सौरभ जोशी हरिद्वार डाल, मतलब चैनल पे सर्च करके आप सब देख सकते हो कि मैं सही बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। बात चाहे जो, वो भले से इतना टॉप पे है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, शुरू से मेहनत किया है जिसने तो वो टॉप पे गया है। शायद बहुत लोग किए हैं इतना मेहनत, लेकिन सौरभ जोशी के कितना टॉप नहीं बन पाए हैं और शायद नहीं बन पाएंगे। तो मैं बता दूं, पता नहीं ऐसा क्या रहता है उसके वीडियो में, जो वीडियो अपलोड करते ही मिलियन पे पहुंच जाता है, और उसका व्यूज देखोगे तो लाख के तो कोई गिनती नहीं है उस पे। जितने भी व्यूज दिखते हैं सब मिलियन पे ही दिखते हैं, और वीडियो देखो तो सिर्फ मज़ा नहीं आता ज़्यादा, सिर्फ ऐसे ही रहता है अपना ब्लॉगिंग, सिंपल सा ब्लॉग है उसका। बस कहीं गया कहीं नहीं गया, ऐसे ही वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन फिर भी उसके सब्सक्राइबर इतने हैं कि उसकी वजह से उसका वीडियो मिलियन मिलियन पे जाता है। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना भी है, तुम्हारे वहाँ मतलब हरिद्वार का एक लड़का है सौरभ जोशी, ब्लॉगर है, बहुत ज़्यादा ही वायरल है वो। हमने कहा हाँ, मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ कि सही है जो लोग बोल रहे हैं। आप सबको भी ना यकीन हो तो सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, सौरभ जोशी का वीडियो तो सर्च करके देखोगे तब जाके यकीन होगा, लेकिन मेरी वीडियो को भी पूरा देखना और शेयर करना। तो अगर ज़रा सा भी आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे आप सब तक बहुत पहले, जो कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक, और आप सब नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना सौरभ जोशी ब्लॉगर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय। आखिर पता नहीं क्या है उसके वीडियो में, इतना खास बात क्या है कि जो दूसरा कोई ब्लॉगर उसके जैसा नहीं बन पा रहा है। बहुत से ब्लॉगर को देखा है मैंने, बहुत से ब्लॉग वीडियो देखा है, सबका वीडियो अच्छा लगता है, जितना अच्छा सौरभ जोशी का वीडियो नहीं अच्छा लगता है उतना, बल्कि फिर भी उसके पास इतने ऑडियंस हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, शायद कि उसके जितना किसी और का सब्सक्राइबर होगा, नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन हरिद्वार का ही नहीं, ब्लॉगिंग में सबसे टॉप पे है सौरभ जोशी। ठीक है जैसा भी है, लेकिन बहुत खास नहीं रहता है उसके ब्लॉग में, लेकिन फिर भी उसका चैनल बहुत रफ्तार लेता है, उसका व्यू जो है सारे मिलियन पे ही हैं। आप सबको अगर नहीं पता है तो सौरभ जोशी सर्च करके आप सब देख सकते हो कि सही है कि नहीं सही है।